ज्यादा मेरे फोटोज के नीचे बहुत ज्यादा 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 गंदा कमेंट लिख रहे हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार अपनी माँ और बहन को जरूर देखें। मुंह है बोल के आप कुछ भी नहीं बोल सकते। एक लड़की को आप बोल रहे हो तेरा रेप करूंगा, हाउ डे यू। और ये सब सारे लोग कहाँ गए जो कमेंट वीडियो बनाकर भैन आप आलमा ऐसा बोल रहे थे, ये कहाँ मरे अभी है? एक लड़की के ऊपर तुम्हारे जगह रे मैं होती ना, चाहे कोई भी हो, चाहे एक पाकिस्तानी औरत के लिए कोई ऐसे कमेंट कर दे, मैं देखूंगी। और मैंने हमेशा बोला नेपाली भाषा गोरखा जात के लिए, आज नहीं कल नहीं कभी भी, अगर मुझे महसूस हुआ कि मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। तुम कैसे भूल गए कि मैं भी एक गोरखा की बेटी हूँ? तुम लोग कैसे भूल सकते हो ये चीज? तुम लोग इतना गंदा बात कैसे बोल सकते हो किसी लड़की के लिए? हम तो सोच भी, हम लोग तो, हम भारतीय तो ना 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 क्रिमिनल के लिए भी ऐसा यूज ना करे, किसी प्रॉस के लिए भी ऐसा ना बोले यार। सबका अपना अपना काम होता है, हम ये तो हम इंडियंस की खासियत है। भगवान ना करे कल ये वीडियो कोई सरदार देखे ना, तब पता चलेगा धोती कौन है और असली मर्द कौन है। असली मर्द बनते हो ना, औरत की इज्जत करना सीखो। घमंड है मुझे अपने इंडियन मर्दों पे, घमंड है मुझे अपने भारतीय लोगों पे, किसी औरत की बेइज्जती बिल्कुल नहीं करते। तुम बोलते हो ना भारत में गरीबी है, गरीबी हर जगह है, नेपाल भी एक बहुत गरीब राष्ट्र है, राष्ट्र को लेकर बात नहीं करने का। नेपाल की हम उतना ही इज्जत करते हैं, नेपाली भाषा नेपाली कल्चर की हम आज भी इज्जत करते हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। हमें नेपाल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है ये छोटी सोच वाले लोगों से। मेरी रिक्वेस्ट है आप जितने भी नेपाली भाषी लोग हैं इस चीज को देखिए और मुझे बताइए कि मैंने अगर अपने देश के खिलाफ सुनने से इनकार करके तभी जाके मैंने अपना सेकेंड वीडियो अपलोड किया, क्योंकि यूट्यूब में जाइए और देखिए, कमेंट खुद पढ़िए, उसके बाद आप मुझे अपना आंसर जरूर दीजिएगा। किसने हक दिया सबसे पहले मुझे कुछ भी बोलो, मेरे देश को गाली देने का, मेरे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का आप लोगों को किसने हक दिया? मैंने क्या गलत बोला? मैंने जो बचपन से देखा है, मैंने जो अपनी सोसाइटी से सीखा है, मैंने यही बोला। और दूसरी बात, कोई कोई स्टूपिड लोगों ने एशिया इंटरनेशनल वालों को, मिसेस इंडिया वालों को भी मैसेज किया है। पहली बात, मेरी जो टाइटल है ना वो साइड में रखो। आज भी मैं सीमा सुबेदी दिन रात मेहनत करके, इस मेहनत की बदौलत पर खुद को खड़ा किया है मैंने, इसलिए किसी का भी हक नहीं बनता मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोले। हाँ, अगर मैंने कभी भी आप लोगों को पर्सनली बोला है, आप लोगों को पर्सनली हर्ट किया है, तब जाके बोलिए, तब आपका हक बनता है। थोड़ा सा नेपाली लोग यहाँ के काम करते हैं, बोलने में आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आपने